हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नर्सिंग में डीजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्टली हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक फॉर लैक्टेटिंग मदर इस 550 किलो कैलोरी पर डे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 300 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, इन इंडिया विच हेल्थ इंस्टीट्यूट फंक्शन एज फर्स्ट रेफरल यूनिट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड पॉपुलेशन इज इन हिली एरिया इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज ऑन 80,000 पॉपुलेशन एंड इन प्लेन एरिया 1.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यू WHO ORS ऑस्मोलैरिटी इज 245 ऑस्मोल पर लीटर, कंपोजिशन ऑफ रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS कंपोजिशन इज सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, ग्लूकोज इज 13.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड इज 1.5 ग्राम, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट इज 2.9 ग्राम एंड टोटल वेट इज 20.5 ग्राम एंड ऑस्मोलैरिटी इज 245 ऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियोमायलाइटिस, फिको ओरल रूट, पोलियो ट्रांसमिटेड वाया ओरल फिकल रूट, ह्यूमन आर द ओनली रिजर्वर्स, ट्रांसमिशन इज ओनली फिकल ओरल रूट, नो कैरियर्स, कम्युनिकेबिलिटी हाईली इन्फेक्शियस फॉर 7 to 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट एंड देर इज नो स्पेसिफिक सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस इन इंडिया, फीमेल स्टरलाइजेशन एंड देर इज डिफरेंट टाइप ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन, बैंडेड, कॉटराइज्ड, टाइड एंड कट एंड क्लिप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वूपिंग कफ इज इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वूपिंग कफ एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज बोर्डिटेला पर्टुसिस, वूपिंग कफ सीवियर कफ दैट साउंड लाइक वूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, आंसर इज 45 to 180 डेज। हेपेटाइटिस बी इज ए लाइफ थ्रेटनिंग लीवर डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूड एंड मदर टू चाइल्ड एट बर्थ एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड एंड थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड अदर ऑब्जेक्ट हैंडल्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन एंड सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस बी इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज एंड प्रिवेंशन हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इम्यूनाइजेशन इज ए टाइप ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन इज इन प्राइमरी प्रिवेंशन, इन प्राइमरी प्रिवेंशन हेल्थ प्रोमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड इन सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोमोट ट्रीटमेंट, इन टर्शियरी प्रिवेंशन डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, When you immunize a child for measles, what type of prevention
स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज इन प्राइमरी प्रिवेंशन. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इंक्लूड मेजर्स टू प्रिवेंट द इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज और ए ग्रुप ऑफ डिजीज. एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज इम्यूनाइजेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज. नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सच एज साल्ट विथ आयोडीन एंड विटामिन ए सॉल्यूशन. यूज ऑफ कंडोम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज. नेक्स्ट यूज ऑफ हेलमेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेड इंजरी. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द इम्यूनिटी डेवलप फॉलोइंग द क्लिनिकल इन्फेक्शन नोन एज. आफ्टर इन्फेक्शन विच इम्यूनिटी डेवलप. एक्टिव इम्यूनिटी. देर इज डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप फ्रॉम नेचुरल. एक्टिव इम्यूनिटी इज फ्रॉम इन्फेक्शन एंड आर्टिफिशियल. एक्टिव इम्यूनिटी इज गेन बाय वैक्सीनेशन. पैसिव इम्यूनिटी इज आल्सो टू टाइप पैसिव एक्टिव. पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी एंड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी इज फ्रॉम मैटरनल एंटीबॉडीज एंड आर्टिफिशियल इज बाय artificial antibodies. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Friends, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.